जम्मू कश्मीर में चुनाव अगले वर्ष संभव, परिसीमन आयोग के मसौदा रिपोर्ट तैयार। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस आधार पर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। परिसीमन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 दिसंबर के बीच होगी बर्फबारी। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 सितंबर के बीच घाटी के कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। केंद्र की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई सतर्कता। कोरोना से 2 की मौत, संक्रमण की दर बढ़ने और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रति केंद्र की हिदायतों के बाद जम्मू कश्मीर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पतालों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। इसी बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 145 नए मामले मिले हैं। इनमें से जम्मू संभाग के 18, कश्मीर संभाग के 127 नए मामले सामने आए हैं। अभिनेता शाहबाज खान पहुंचे जम्मू, कहा घाटी में होनी चाहिए फिल्मों की शूटिंग। बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता शाहबाज खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर काफी खूबसूरत शहर है, यहां पर फिल्मों की शूटिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में फास्टैग लागू होगी नई शिक्षा नीति। जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति का फास्टैग लागू किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 कृषि यूनिवर्सिटी समेत 8 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किए। एलजी ने कहा कि शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के मॉडल पर काम करना है। कश्मीर में अक्टूबर में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल सभी आतंकियों का सफाया। बीते अक्टूबर माह में जम्मू कश्मीर में हुई आम नागरिकों की हत्या में शामिल सभी आतंकी मारे जा चुके हैं। कांग्रेस का जन जागरण अभियान आयोजित। जीएमए ने जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान जीएमए ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी खराब दौर देखा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। डब्ल्यूएचओ की चुनौती, ओमिक्रॉन को बताया बहुत अधिक खतरे वाला वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन द्वारा G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों की आफत बैठक बुलाई गई।